तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं बिजरिया ब्लॉग, इनको आप जानते होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्ते प्रणाम। तो ये मेरी वाइफ आ गई तुम्हारा वीडियो में, तुम्हारे चलते लोग आते हैं दोबारा आकर के फिर इधर तंग कर रहा है, क्योंकि अपना भी होता है ना, कितने कितने लोगों से हम झगड़ेंगे। स्वागत सभी का एक और नए ब्लॉग में, एंड यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहा है यहाँ पर देख सकते हो। और अभी हम लोग अभी जा रहे हैं एक मस्त आदमी से मिलने के लिए, आपको पता चल गया होगा अगर थंबनेल में मैंने लगाया तो, और नहीं तो आपको सरप्राइज है। तो चलते हैं, और अभी यहाँ पे 8 बज चुका है, अभी ऋतिक और शिवम आ रहा है तो हम तीनों जाएंगे। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे स्वेटर पहनना पड़ेगा क्योंकि भाई धूप से आ रही है, लेकिन फिर भी ठंडा बहुत ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी हम स्वेटर पहनना पड़ेगा और बाकी लोग आ रहे हैं, देखते हैं कितना देर में आता है। तो गाइस अभी हम लोग जूता पहनने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ एंड ऋतिक भी यहाँ पे आ चुका है पूरा ग्लास व्लास डाल के। बस यहाँ पे शिवम का बेड है भाई, वो बहुत ज़्यादा लेट करता है हर चीज़ में, तभी वो 7 बजे उठ गया, अभी तक लेट कर रहा है। तो मैंने जूता वूता डाल दिया है और ये स्वेटर डाल दिया, हमारी सवारी रेडी है और यहाँ पे धूप सेक रहा है। हाँ हेलो बोलो हेलो। तो गाइस अभी हम लोग तीनों यहाँ पे निकल चुके हैं, ये अभी आया 8:30 बजे। चल 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 जल्दी चल, तो अभी चलते हम लोग, चलो गाइस चलते हैं। हम लोग का पहला स्टॉप पेट्रोल पंप यहाँ पे, तो हम लोग का बाइक ने नाश्ता कर लिया, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं तो चलते हैं अभी। दिल की धड़कन से तो आए जाना मेरी सबसे। तो गाइस अभी हम लोगों ने आधा किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, आधा किलोमीटर मतलब टोटल 80 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और अभी चलते हैं और आगे, ठीक है। चल 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 ए हुआ चलो हम लोग का मोटर ब्लॉगर देगा मस्त वाला पीछे एकदम। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है दोस्तों, बीच में नदी बहता है, देख लीजिए यहाँ पे मेरा ओहो क्या मस्त लग रहा है मुझे भाई, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। वैसे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली जिस सिटी से मिलने जा रहे हैं हम लोग, और अभी यहाँ पे हम लोग रेलवे फाटक के पास खड़े हैं, यहाँ पे ये बंद है जो जिसके थोड़ा सा यहाँ पे लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे जाना है हम लोग को, देखते हैं हम लोग को मिलता है, कोई खोजना पड़ेगा, हम लोग परफेक्ट लोकेशन नहीं पता है यहाँ पे ऋतिक का, यहाँ पे सेवम है और अभी ट्रेन आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाला है, ज़्यादा आगे मत ज़्यादा आगे मत, अभी यहाँ पे ट्रेन आ रहा है इधर से। तो गाइस फाइनली ये रेलवे फाटक खुल गया है और अभी हम लोग चलते आगे। तो गाइस यहाँ पे एक और फाटक आ चुका है, ये हमारा तीसरा फाटक है रेलवे फाटक, लेकिन ये खुला हुआ है, अच्छी बात है। चलो तो अभी हम लोग एक और जगह पूछ रहे हैं पीछे, और भाई मतलब 2-3 जगह हम लोग पूछ लिया, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। हम लोग गाँव में तो आ चुके, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग नेट चलाते ना, इसलिए फाइनली हम लोग एक जगह मिल चुका है। तो अभी चलते हैं हम लोग फिर से गाड़ी मोड़ के वहाँ पर जाते हैं। तो अभी हम लोग उनके एड्रेस तक तो पहुँच चुके हैं, लेकिन भाई अभी तो मिल नहीं रहा है, और हम लोग यहाँ पे दो को पहाड़ दिखा हुआ देख सकते हो बड़ा बड़ा, हम लोग जाना इधर और चारों तरफ खेत है भाई चारों तरफ। तो अभी देखते हैं भाई, अभी टाइम कितना हो रहा है रे, टाइम कितना हो रहा है, 10:30 बज गया भाई, तो हम लोग निकले कितना बजे, हमें समझ नहीं आ रहा, 40। तो गाइस हम लोग मस्त पहाड़ के सामने आ चुके हैं, लेकिन हम लोग इधर मुड़ना है। चलो गाइस हम लोग वहां से निकल चुके हैं एंड अभी हम लोग का और आगे जाना है, हम लोग बोला गया अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं आगे, हम लोग आ चुके हैं एक और फाटक के पास और सामने इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन हम लोग घर अभी तक नहीं मिला, क्या करे 11 बज गया, 12 बजे नहीं आ रहा। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं बिजरिया ब्लॉग, इनको आप जानते होंगे। तो जी सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्ते प्रणाम, और जस्ट हम अभी खाना पीना खा करके उठे ही हैं और भैया लोग अभी आए हैं, तो हम लोग इनके सपना घर में आ चुके हैं,
अभी हम लोग तीनों हैं, देख सकते भाई अभी दिखाते हैं। वो तो सही बात है, अपना हर किसी का स्वर्ग सुंदर होते हैं, अपना है। ये बन रहा है इनका घर, अपना घर में सुकून है वो तो कहीं नहीं है। ये बात आप सही बोले। कितना रूम है इसमें? बस दो रूम है और दो रूम, पहले किचन था, वही घर है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहले अगर देखते होंगे तो सेम वही चीज है, बस प्लास्टर थोड़ा सा ऊंचा करके प्लास्टर की। अरे नहीं, कुछ किए होंगे तब ऐसा ही कोई। देखिए ये है कि मेरे घर आज तक जितने भी लोग आए हो, हम कि ऐसा कोई भी इंसान ना हो कि हम उसके साथ ना मिले हो। मेरे से जितना अथा हुआ हम उसको मतलब प्रसन्न करके ही भेजते हैं, मिल करके ही। मतलब अगर नहीं भी, अगर अगल बगल में हम रहते हैं ना, तो फोन अगर मेरा पास अगर चल भी जाता तो आ जाते हैं, वेट करवाते हैं, बोले रुकिए आधा घंटा में आते हैं, और वीडियोस बना करके ही भेजते हैं। लेकिन एक दो लोग हैं, क्या कहेंगे? नहीं, एक वो होता है कि कुछ जबरदस्ती करता होगा, इसलिए आप किए होंगे। उसके साथ हम दो घंटा समय दिए हुए थे, दो घंटा माने रखती है, बढ़िया से समझाए बुझाए यूट्यूब के बारे में, अच्छा से क्या है नहीं है। फिर भी मेरे साथ उसको हम गाड़ी बैठा दिए, मेरे सामने गाड़ी भी बैठा, उसे गाड़ी बैठा दिया। हम बोले ठीक है भैया, वैसे ही से चले जाइए। उस पर हम चले गए तिरपाल लाने, दोबारा आकर के फिर इधर तंग कर रहा है। बाप रे, हम कई बार भी हर चीज कैमरे में शेयर करना नहीं होता, ऐसा ऐसा मतलब वो कुछ प्राइवेसी है ना, इसीलिए हम नहीं तो हमको जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे भी मेरे उस समय भी व्यूज अच्छी आती थी, क्या जरूरत था वीडियोस बनाने के। इसीलिए थोड़ा सा प्राइवेसी भी जरूरी होता है, प्राइवेसी जरूरी है, इसलिए हम लोग ने आगे पूछ लिया कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। नहीं, हम सभी लोगों से मिलते हैं, सभी कोई यही बोलता है वीडियो में कि अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट वीडियो बनाते नहीं गुस्से किसी का, किसी का भी। हाँ नहीं, हम किसी का भी क्या कर रहा है। फिर भी देखिए, मेरी जो लाइफ में जो है वो सच्चाई रहती है, कोई भी एक भी पर्सन अगर कोई झूठला दे मेरे को तब उसका हम क्या कहते हैं ना, कुछ नहीं होता, कंट्रोवर्सी करने के लिए होता है। हाँ, जिससे जो मेरा जेन्युइन है, रियल है, बस वही हम वीडियोस बनाते हैं, मेरा जो है अपना जीवन शैली गांव का, बस वही। मस्त पहाड़ भी दिखता है इनका वीडियो, सामने सब पहाड़ है, सामने पहाड़ है। हाँ, आइएगा कभी साथ मिलने हम लोग से भी, क्यों नहीं, बस कॉल कर दी, हम लोग पहुँच जाएंगे कहीं भी पूरा चांस में। और सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी यहाँ पे आए पहले इनसे परमिशन ले लें, तभी आप कुछ करें, क्योंकि बिना परमिशन है भाई किसी का प्राइवेसी हर्ट मत करो कोई भी, और क्योंकि इनका भी यहाँ घर है। कहीं भी, जैसे मेरा कोई दिक्कत नहीं है वीडियोस बनाने, बात ये होता ना कि एक दो को जो गांव के जो लोग हैं ना उनको बुरा लगता है कि किसी का अगर मतलब भाभी किन्हीं की वाइफ आ जाए, किन्हीं की अगर यंग बेटी है वो अगर ब्लॉक्स में आ जाए तो खराब लगता है, इसीलिए मना करते हैं। हम कोई बोले हुए हैं, कई बार तो मेरे साथ झगड़ा भी हुआ है कि तुम्हें ये मेरी वाइफ आ गई तुम्हारा वीडियो में, तुम्हारे चलते लोग आते हैं तो मेरे को झगड़ते हैं। जैसे आप भी वीडियो बना तो चले गए, आपकी वीडियो में कोई अगर आ गई पकड़िए, लोग बहुत लोग आते हैं डायरेक्टली पूछ देते हैं कैमरा ऐसे रखे हुए हैं, अच्छा बेजेरिया का घर कहाँ है, ऐसे बोलते हैं। उनको तो पता नहीं भाई, उनको नया लोग है क्या है नहीं है, और वो वीडियो देख लिए फिर हमको बोलते हैं, इसीलिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं बेशक आओ वीडियो बनाओ, जब मेरे जगह पे पहुंच जाते हो तो बेशक बनाओ, मना नहीं करते हैं कि नहीं बनाओ, लेकिन रास्ते में जैसे इधर उधर उस टाइप के सब कुछ। वीडियो का मतलब नहीं पता, ये बड़ा खुला एरिया ना, कोई भी आ सकता है, किन्हीं को पता नहीं है वीडियो कौन की सिचुएशन में, किसी को पता नहीं, कोई नहा रहा है कोई खा रहा है। एक बार नहा रही थी, एक भाभी थी, गाँव में लोग तो खुले में स्नान करते हैं भाई, सभी लोगों को पता है वॉशरूम होते नहीं है, तो वो आया वीडियो बनाते हुए, तो दोस्तों देखिए ऐसे ऐसे स्नान कर रहा है, ब्लॉग ले लिया, और वो वीडियो तो जा रही थी, उसी में हम उसको बोले भी कि भाई वीडियो प्राइवेट कर दो, तो वो हम ही को उल्टा सीधा कहने लगा कि नहीं प्राइवेट करेंगे ये वो, मतलब किसी का भी ये वो सम्मान है। हाँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ होने लगा था, तब बीच में हम मना करे हुए थे कि हम नहीं ब्लॉग्स में आएंगे, क्योंकि अपना भी होता है ना, कितने लोगों से हम झगड़ेंगे, मैं तो बहुत लोग आते हैं ना, बहुत लोग, इसलिए पहले पूछ लिया करो किसी से भी, चाहे कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर। हमको लगता है अभी मेरे कितना आप लोग हैं, 2-3-5-9-11 लोग हुए अभी तक। ओ, सुबह से? हाँ, डेली कितना आता होता है? डेली तो 30-40 बहुत सारे लोग आते हैं। उससे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और इनका बात करने का तरीका भी बहुत ही हाई लेवल का है, आराम से बात करना, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्री माइंड बात करना। सुबह से बहुत लोग आए हैं, लेकिन फिर भी ये हमसे हम लोग को टाइम दिए हैं, और हम लोग से बात की है, और हम लोग को टाइम भी दिया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि आया तो मिलना भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे कोई सीन नहीं है, लेकिन आप लोग आते हैं ना तो मोबाइल का कैमरा ऑन कर ले, कर ऐसा नहीं, सब किसी को बुला नहीं रहे, कोई आना मत बोल रहे, जो आ रहे हैं वैसा तो सभी को वेलकम है, ये बात नहीं कि सब आइए, सबका वेलकम है मेरा घर, ठीक है, मतलब आइएगा तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिएगा ताकि इनको भी खराब ना लगे, अगल बगल खराब ना लगे। हाँ, बस वही है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा जलन भी होती है लोगों को, क्योंकि जिनको यूट्यूब के बारे में पता हुआ है उनका तो मेरे से बहुत जलन होती है, और जिनको गांव के लोग ही अधिक जलते हैं, क्योंकि एक देख करके एक गरीब लड़का आज किस जगह पे है,
क्योंकि ये तो कोई बोलने की बात नहीं है। ये बात सही है, हाँ। सही बोले आप। और जिनको जिनको नॉलेज नहीं है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मोबाइल लेके इधर उधर हिलाते रहते हैं, हम लोग कहीं सोचते हैं। और जिसको पता है यार उसको तो क्या कहते हैं, उसका खून सूख जाता हमको देख करके।